ब्लाइंड डॉल्फिन जो है ना सखे बिराज की अपस्ट्रीम राइट साइड में हैं, परमानेंटली हैं, और तकरीबन 500 से 600 हैं इसमें। उनका एक पूरा अलग इदारा है वाइल्ड लाइफ वालों का, उनके बंदे हैं जो वॉचमैन हैं, बाकायदा वॉच करते रहते हैं। और उसके अलावा ये क्या होता है कि अक्सर जैसे हमारी नहरें हैं, खासतौर पर राइट साइड पर नॉर्थ वेस्ट कैनाल है, राइस है, दादू है, कभी कभी ये डॉल्फिन इन नहरों में चली जाती हैं, तो फिर वो वॉचमैन जो है इनके मुकर्र हैं वो देख लेते हैं, फिर वो इंतज़ार करते हैं ख़ासतौर पर जनवरी के महीने का या फिर अप्रैल का, क्योंकि अप्रैल में यहाँ पे बैराज की ये तीनों नहरें बंद कर दी जाती हैं मेंटेनेंस के पर्पज़ के लिए, और एक जनरल किलोयर होती है सालाना, वो पूरे बैराज की होती है, तो वो 15 दिन के लिए नहरों को बंद करते हैं। तो उस वक्त पानी जब कम हो जाता है, ये क्योंकि हमारे साथ रबते में रहते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई इसमें जो है कोई डॉल्फिन आ गई है तो हम उनको इतला करते हैं, फिर और वो डॉल्फिन जो है ना पानी से आगे ज़्यादा डाउन में नहीं चली जाती, वो फिर इसी एरिया में रहती है, कैनालों में गेट लगे हुए हैं, अब वो क्रॉस करके तो आ गई, अब वो वापस नहीं जा सक रही, और पानी की ज़्यादती की वजह से उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, तो फिर जैसे ही पानी कम होता है तो नीचे जाल लगा देते हैं और फिर उसको आस्ते आस्ते जो है ना उस जाल में पकड़ के फिर इसको वापस शिफ्ट करते हैं वो रिवर के अंदर। ये एक पूरा प्रोसेस है।